हेलो जी, वेलकम बैक, स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये हम पहुंच चुके हैं पेरिस, अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जो कि है पेरिस। और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बाद हमें अगली जगह जाना है, पर यहाँ पे हमारा है 7 घंटे का हॉल्ट। तो बस अब हम प्लेन से उतरे हैं, प्लेन से उतर के हमें बाहर तक बिल्कुल एग्जिट तक आने में आधा घंटा लगा। अब यहाँ से बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, अपने गेट से उतरने के बाद ट्रेन लेके जाना पड़ा दूसरे टर्मिनल पे, वहाँ पे एग्जिट, उसके बाद एग्जिट की लंबी सारी लाइन। बट वो पासपोर्ट कंट्रोल, बिकॉज वी वर कमिंग फ्रॉम कनाडा, वो जल्दी तो उसे हमारा टाइम करना था, कम लगा। तो अब हम भाग रहे हैं सीधा यहाँ से इनकी मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि यहाँ से 10 मिनट्स वॉक है। वहाँ भाग के फिर वहाँ से सीधा हम लेंगे मेट्रो और हम जाने की कोशिश करेंगे अपना आईफिल टावर तक। और रास्ते में देखते हैं जो जो कर सकते हैं, जो जो करते हैं बताते हैं। मनी ने दो तीन रिकमेंडेशन दी है कि भाई कि पेरिस जा रहे हो तो बाहर जरूर जाओ, एफिल टावर तो देख के आओ आओ। और उसके बाद एक दो खाने की दी है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जितनी हो सके कवर कर सके करते हैं, बस वी आर नॉट रेडी फॉर पेरिस। हमारे कपड़े पेरिस के हिसाब से नहीं है, हमारा फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ना पेरिस, नहीं वो मिलान है, वो मिलान है, वो हम हो आए सोने भागे। चलो जी, अब भागते हैं मेट्रो की तरफ, लेते हैं मेट्रो और करते हैं आज की जर्नी शुरू। वही अभी हमने यहाँ पर टिकट लेके अपनी वैलिडेट करी, हमने ले लिया डे पास 20 यूरो का और हम भाग रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 12 है, यहाँ से हमारी ट्रेन आनी है जो चलेगी 14 मिनट में, मगर यही ट्रेन होगी यही है। मैं थाकी स्टेशन है तो खाली है, कोई नहीं है, एक बंदा बैठा उधर कोने में। 14 मिनट्स कह रहा हूँ। तो हम अभी हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, यहाँ से हमें जाना है गारे डू नॉट, फिर यहाँ से अपने को चेंज करनी है, फिर यहाँ से अपने को दूसरी ट्रेन दूसरी मिलेगी मेट्रो जो लेके जाएगी एफिल टावर। हम लोग तो ठंड से बच के निकले थे, यहाँ तो खूब ज़्यादा ठंड है, -1 और बाहर अभी सनराइज भी नहीं हुआ, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:45। हाँ, और सनराइज भी नहीं हुआ। So, हमने डिसाइड किया हम पहली जगह जाएंगे अपना आईफिल टावर देखने और वहाँ देखते हैं कि वहीं हमें सनराइज दिख जाए। होपफुली अभी जिस मेट्रो स्टेशन में इसको बोलते हैं सेंट मिशेल नोटरडैम, और मनी बता रहा था कि इस वाले स्टेशन पे उतर के यहाँ से वॉक करते हुए जाओ आईफिल टावर की तरफ, जो कि 1 घंटे का रास्ता है पैदल, पर हमने कहा कि नहीं, हम पहले सीधा आईफिल टावर चलते हैं, वहाँ से वापसी रास्ता शुरू करेंगे। और जिस मेट्रो से हम जो मेट्रो हमने एयरपोर्ट से पकड़ी वो डायरेक्टली इस मेट्रो स्टेशन तक पहुँचती है, बट वो सिर्फ तब आती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वो नहीं चलती। तो अगर वो अगर आज संडे ना होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाते हैं, चेंज नहीं करनी पड़ती है मेट्रो। तो हमने अभी एक चेंज करी है, अभी दूसरी पकड़ रहे हैं जो मिल जाएगी सीधा आईफिल टावर। टाइम काफ़ी लग गया। आईफिल टावर तुम्हारी चेकलिस्ट में था? आईफिल टावर मेरी चेकलिस्ट में, हाँ। ओके। अभी चलिए मुझे क्लैरिफाई किया, जो हमने अपने से पहले पकड़ी थी वो ट्रेन थी, मेट्रो नहीं थी, ये वाली मेट्रो है, क्योंकि ये मेट्रो वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कहते हैं स्टेशन के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, अनाउंस हो रहे हैं अगला वाला है, खैर अनाउंस हो साल में भी और बट है भी तेज आई है, आई थोड़ी तेज है पिछले वाले से, वो पहले वाली बिल्कुल वही लग रही थी कि अपना ट्रेन ही लग रही थी, वो चुप चुप दी अपना लोकल EMU दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से। वैसे अभी तक फीलिंग आ रही है कि हम लोग फीलिंग आएगी है, जब बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो हम एयरपोर्ट से सीधा ट्रेन में घुसे, ट्रेन से मेट्रो में आ गए, मेट्रो से बाहर तो निकले नहीं अभी तक हम किसी भी स्टेशन से। अब यहाँ से जब निकलेंगे एफिल टावर वाले पे फिर आएगी फीलिंग, अभी नहीं। वैसे एफिल टावर हमने फरीदाबाद देखा था, वो हाँ हमने कहाँ देखा होता था, नहर पार, नहर पार देखा था हमने, ठीक है। चलो यहाँ वाला भी देख लेंगे, फरीदाबाद वाला देख लेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं असली वाला भी, असली वाला देख लेंगे, देख ही लेते हैं असली वाला भी। तो भैया फिर डालोगी एग्जिट 1 और रोशनी हो गई वहाँ, रोशनी हो गई, ओए ये रहा एफिल टावर, ओ यार ले ले बेबी डियोर, लेकिन डियोर अर्मेस भी आ गया, एडिशन हो गई ब्रांड्स की यहाँ पे आते ही।
मैंने ब्रांड्स की एड्स छोड़, पहले ही मैंने मेट्रो में ही देखा लोगों ने क्या ब्रांड्स पहन रखे थे। और दूसरी चीज़ देखी मैंने, बाइक्स साइकिल्स पे रनिंग करते हुए लोग सुबह सुबह। लो भाई आ गया आईफल टावर। ओहो लाइटें बंद हो गई, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया आईफल टावर अंदर जाने का। टॉप पे ओके okay, हाँ कितना है? टॉप पे जाना है तो 28 यूरो। हाँ और एस्केलेटर के साथ, और स्टेयर्स और एस्केलेटर के साथ जाना तो 1 यूरो। और सेकंड फ्लोर तक लिफ्ट के साथ जाना है 18, सिर्फ एस्केलेटर 11। अब अंदर जाना है ऊपर, टाइम नहीं हमारे पास इतना। हाँ भाई चले जाते हैं। हाँ। ये तब जाएंगे जब फुल फ्लेज्ड पैलेस देखने आएंगे, विच आई डाउट। सवाना खोलना है दरवाजे, वी आर टू अर्ली, जल्दी आ गए थोड़ा। चलो कोई नहीं, तुम्हें स्काउट कर रहे थे। पता नहीं क्या करने आ रहे, पहले आए मैं होगा हमें पकड़ने आ रहे हैं। क्या हो गया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाले। अच्छा वो अभी खुलने वाला होगा 9 बजे। यार 8:40 हो चुके हैं। हाँ। ठीक है 9:15 खुलना है। हाँ। पर खुल के भी हम यही कर सकते हैं, देखो ज्यादा क्या होगा, हम नीचे चले जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। हाँ। साइड पे, पर नीचे से आई डोंट नो क्या व्यू आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है, हमें नजारे लेने थे। हाँ, अब अगली चलते हैं, अगली तरफ, आगे की तरफ चलते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं और आगे चल के देखते हैं अगर बस मिलती है बस पकड़ लेंगे आगे जाने के लिए, या फिर वापस जाके मेट्रो पकड़ते हैं। दो चीजें हमने और देखनी है, एक लूवर, वो भी आई गेस अंदर जाने की जरूरत नहीं है, म्यूजियम, और एक देखना है चैपल, जो मनी ने कहा है कि बहुत अच्छा है देखने वाला है। सो देख सकते हैं कितना कवर करते हैं। और एक यहाँ की पेस्ट्रीज ट्राई करनी है मुझे। खाना तो अभी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुले नहीं हुए, शायद कैफे खुल जाए तो पेस्ट्रीज ट्राई करनी है। चलो चलो ओके जी, बाय बाय आईफिल टावर। Nice to see you. Yeah, it was nice to see you. It's very grand. Oh, कैसे कलर निकल के आ रहा है, सन निकल के आ रहा है, सन का पड़ रही है ना सनराइज। चलो वो देखिए यहाँ पे कितने सारे वो वाले हवाई जहाज हैं, धारियों वाले। धारियों वाले बस कहाँ से मिलेगी, और यहाँ से पकड़ेंगे बस अगले स्टॉप के लिए। तो ये पहुंच गए बस स्टेशन, अपनी ये यही वाली बस जानी है अपने अगले स्टॉप पे। चलो 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 चलो, खुला है? हाँ हाँ चलो चलो चलो। ओ इट्स फ्री। या हम लूवर के अंदर आ गए, लूवर में वो पिरामिड तो वो सामने, वो रहा सामने। हाँ वहीं जाना है, वहीं जाना है। लोग यहाँ पे अपना सुबह सुबह रनिंग कर, वॉक कर रहे, रनिंग कर रहे। चलो जी अपना अगली चेकलिस्ट वाली आइटम भी होगी लूवर म्यूजियम। यहाँ पे वो सामने उसकी सारी लाइनअप है अंदर जाने के लिए। अभी म्यूजियम जाने का हमारा कोई मूड नहीं है, बट बाहर ही बहुत अच्छा है देखने में। ये जो आसपास इसके म्यूजियम की ये बिल्डिंग्स है, इस पर क्या काम हुआ हुआ है अच्छे वाला, पता नहीं मुझे क्या नाम है इसका, लिमिटेड नॉलेज ही है अपनी। इतना पढ़ के नहीं आए थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना कवर कर पाएंगे, बट We are doing good so far. खाए पिए बिना। चलो एक अगली डेस्टिनेशन बची है, उसके बाद टाइम होगा तो फिर खाएंगे पेस्ट्रीज, नहीं तो पेस्ट्री खाने दोबारा आना पड़ेगा। सनी मूवीज में देखा था लोग यहाँ पे आके। अच्छा है ना, देखा है ना कितनी मूवीज में यहाँ आगे सुट्टा मारने आते हैं या फिर
चलते हैं यहाँ पे अपने दुख सुख सांझे करने आंदे। नहीं किसी बॉडी चल देखा था यहाँ पे लोग ना वो गाड़ी भी चला रहे होते हैं नीचे, है ना? यस यस। पता नहीं कितनी पिक्चर में दिखाते हैं पेरिस यही वाले इलाके। हाँ अच्छा अपनी बस यहीं पे आनी है। हाँ हाँ वो आ रही है। कैफे दे दे के मन लल जा रहा है मेरा। भूख भी लग रही है पर हाँ कोई नहीं टाइम लग जाएगा। टाइम जाएगा। ओके हम ले रहे हैं क्रोसॉन और एक चॉकलेट क्रोसॉन, ठीक है? और यहाँ पे हम कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं? ये पेस्टो वाला। तो सेंट चैपल तो पहुँच गए हैं पर यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, अब समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। टाइम लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा? तो आज के टाइम स्लॉट्स है ही नहीं अवेलेबल ही नहीं है। 12:30 है, हमें क्या पता। हमें क्या पता था कि यहाँ पे पहले से रिजर्वेशन नहीं आना पड़ता। चलो कोई नहीं। लो जी हो गया, ठीक है कम। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रिजर्वेशन करानी पड़ती है पहले से। हाँ। और यहाँ पे टाइम स्लॉट के हिसाब से लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमें पता नहीं था ऑनलाइन रिजर्वेशन होनी है यहाँ पे। हमने भी चेक किया तो वो बता रहे कि भाई 12 से पहले की कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और अभी 10:15 हो चुका है एग्जैक्टली यहाँ पे, और हमें एटलीस्ट कहते हैं 12 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना ही पहुँचना है क्योंकि हमारी 1:30 बजे की फ्लाइट है। हाँ, वो तो 1 बजे। हाँ वो ठीक है, वो सामने मुझे क्रिसमस मार्केट दिख रही है। तो जो अब तो आसपास जो भी पैदल दिख रहा है। नहीं नहीं यहाँ बैठ के ग्रोसरी खाने ना। हाँ, खाते हैं जो सामान लिया गरम गरम थोड़ा धूप में जाके खाते हैं। हाँ। धूप निकल आई है और मौसम थोड़ा ठीक हो गया। पहले तो हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल जमे पड़े थे हाथ, अब सही हो गया। कैसा है? ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, गर्म कराया था ना हमने स्पेशल। चलो कोई नहीं। वैसे कैसा लग रहा खाने में? अच्छा सही है, टेस्टी है। वो कह रहा था ये ठंडा ही होता है। ये ठंडा ही होता है, हमने रखो नहीं भाई तू गर्म कर दे। फाइनली हम मेन आखिरी वाली ट्रेन में आके बैठ गए, मेट्रो नहीं ट्रेन में आके बैठ गए जो हमें सीधे ले जाएगी एयरपोर्ट। बस हो गया पेरिस, पेरिस को करते बाय बाय, फटाफट पहुंचे एयरपोर्ट। रिकॉर्ड है हमारा इतनी जल्दी। हाँ। हमने कवर किया है, दोबारा करेंगे ट्राई बट इन समर सम टाइम। समर हां अभी तो रहते हैं, इट वाज नॉट दैट प्लेजेंट। लगी कहते हैं प्रॉपर हम प्रिपेयर नहीं थे वैसे। हमें प्रॉपर जैकेट चाहिए, ग्लव्स वगैरह चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए इस मौसम में। और पर ही है, अच्छा कुछ फीलिंग फ्लोरेंस वाली आ रही थी, है ना? कुछ फीलिंग रोम वाली आ रही थी। हाँ। कुछ फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स थी यहाँ पे आके। यस यस। वही जैसे एयरपोर्ट पे पहुँच लगे यहाँ पे हो गई थंडी तगड़ी वाली। स्पेशल ग्रेस स्पेशल। बहुत ही ज्यादा टाइट स्केड्यूल है। हमारी 1:30 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? अभी बज रहे हैं 12:15 और ये सिक्योरिटी चेक इन भी करना है, सारा कुछ करना है। और 1 बजे सवा छोड़ेगी जो मेन टर्मिनल है वो भी 10-15 मिनट की वॉक है। भाग भाग के जाना है, भाग भाग के। भाग भाग के हमारा बुरा हाल हो गया कि भाई मिस ना हो जाए। यहाँ पे कोई था ही नहीं। आगे पासपोर्ट कंट्रोल तो अब कोई आएगा। यहाँ पे यूएस वाला सीन है ना कि पहले ही सारी वो चेक कर लेते चीजें। यहाँ पे बढ़िया एयरपोर्ट से निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं और पहुंचते हैं होटल।
और ये रूम है अपना, रूम में बढ़िया पूरी किचन विचन दे रखी है इन्होंने अच्छे से, इंडक्शन है पर इंडक्शन के लिए भांडे भूडे हैं यहाँ पे बनाने के लिए कुछ? यस। ओ या ऊपर है पतीले, चलो बढ़िया। मम्मी जल्दी चाय बना लेती, वह चाय की बहुत सख्त जरूरत है इस टाइम। और ये हमारा छोटा सा बेड, ये छोटा सा रूम ही है, ज्यादा बड़ी है पर यहाँ पे अच्छे से इन्होंने बना रखा है बैठने के लिए जुगाड़। बस ये मुझे थोड़ा वीड लग रहा है, कैन यू गो टॉक टू रूम चेंज करा लिया वही रीजन करके, टेढ़ी छत। आइए हाँ जी, छत इसकी छत बढ़िया है, रूम में थोड़ा खुला डुला लग रहा है, सही हो करके। मैं यहाँ से उस वक्त जगह ज्यादा थी बट छत करके कहते हैं छोटा सा लगा, मजा नहीं आ रहा। चलो ये अच्छा था, होटल वाले अच्छे थे, चुपचाप उन्होंने शांति से चेंज कर दिया हमारा। पहले थे पांचवें फ्लोर में, चौथे फ्लोर पे, बट यहाँ पे बस वो किचन वगैरह वाला सामान नहीं है। हाँ यार किचन, यार किचन नहीं है, हमने किचन करना भी गया। हाँ हमने कुछ करना नहीं, कुछ बनाना है यहाँ पे। हाँ बस ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हमारे ठीक है। वॉशरूम थोड़ा खुला, उसका वॉशरूम थोड़ा टाइट सा था। हाँ जी चलो ये फिर पहुंच गए अपने होटल में, अब हम करते हैं थोड़ा आराम और थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं नीचे देखने के लिए माहौल यहाँ पे होटल के बाहर कैसा है। काफी जब हम आए थे काफी अच्छा लग रहा था, पूरा डाउनटाउन वाला एरिया ये। बस अब करते हैं फिर ये वाली वीडियो, पसंद आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम, वो आप जानेंगे अगली वीडियो में।